Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's video is going to be informative for you, for people, for the students who want to join Banasthali. आप लोगों को पता है कि मैं बनस्थली की स्टूडेंट हूँ एंड आप लोगों को मैं बनस्थली से रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बीच बीच में देती रहती हूँ एंड उसी के रिगार्डिंग आई हैव गॉट मेनी क्वेश्चन अबाउट द बनस्थली एप्टीट्यूड टेस्ट. तो आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट एंड क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू बनस्थली एप्टीट्यूड टेस्ट. उसमें क्या होता है, तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजों को आंसर करने वाले हैं. सबसे पहले कि वॉट इज बनस्थली एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, वॉट इज द एग्जामिनेशन लेवल एंड देन आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे, कब अप्लाई कर सकते हो, कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, आपके जितने सारे डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगी इस वाले वीडियो में. बेसिकली मैंने वीडियो इतने दिनों से नहीं बनाई थी क्योंकि आई वॉज वेटिंग कि लोगों के किस तरीके के डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग दिस टेस्ट एंड देन सो दैट आई कैन कवर इट ऑल, बिकॉज अभी एग्जाम अभी नहीं आएगा, जब एडमिशन टाइम होता है तब तक के लिए मैं आपको अच्छे से सारे के सारे डिटेल्स जितनी भी मुझे पता है मैं आप लोगों को बताऊंगी. और अगर कुछ मिस हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जो इससे थोड़ी हायर अथॉरिटी या फिर जो नोन्स हैं मेरे जो बनस्थली में है जिनको मुझसे ज़्यादा पता हो सकता है उनसे मैं आप लोगों को पूछ के बताऊंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. What is Banasthali Aptitude Test? उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी बनस्थली के बारे में बताऊंगी. बनस्थली जो है वन ऑफ द वेरी नोन एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है और यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं लाइक BSc, BEd, MSc एंड काफ़ी वेरियस कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अवेलेबल हैं. एंड फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यू हैव टू बेसिकली गिव एन एग्जामिनेशन दैट इज कॉल्ड बनस्थली एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इसके अंदर जो कोर्सेज आते हैं वो होते हैं जैसे BPharm, बीटेक के जितने ब्रांचेस हैं जैसे CSE और ये सब, ये उसके बाद टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इन सब मतलब जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए आप लोगों को देना पड़ता है एक बनस्थली एप्टीट्यूड टेस्ट. ये सारे जो कोर्सेज हैं इनके लिए आपको देना पड़ेगा ये एग्जाम. तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कि बनस्थली एप्टीट्यूड जैसे आप लोग गेट देते हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन देते हो वैसे बनस्थली में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको देना पड़ता है बनस्थली एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड द नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इज दैट हाउ इज दिस एग्जामिनेशन कंडक्टेड. सो दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ऑनलाइन इन द बनस्थली कैंपस इटसेल्फ. यू हैव टू विजिट बनस्थली एंड गिव द एग्जामिनेशन. आप लोगों को आपके कोर्स के हिसाब से स्लॉट्स मिलते हैं और आपको वो एग्जामिनेशंस आके यहाँ पे अपेयर करके देना होता है और उसके बाद वो ऑनलाइन मोड कंप्यूटर पे वो एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन होता है. तो उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑनलाइन. इसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हाउ टू प्रिपेयर फॉर. तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को पॉइंट्स डिस्कस करूंगी ब्रीफली एंड उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इस एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहला पॉइंट है यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जाम कैन बी डन बाय द प्रीवियस एग्जामिनेशन और या फिर प्रीवियस पेपर जो कि आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी. मैं आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में भी आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आप उस एग्जाम के रिसोर्सेज को रीच कर सकते हो. And then you have to get the syllabus of the exam. इस exam में काफ़ी various sections होते हैं, multiple choice questions होते हैं. तो आप लोगों को जैसे कि अगर आप biotech के लिए apply कर रहे हो तो आप लोगों को biotech का syllabus जो है वो जाके check करना होगा, ठीक है. उसके बाद आपको ये second point हो गया that you have to understand the syllabus. And then next point is that is third point is you have to create a study plan. अगर आप लोग अभी school में हो तो आप पहले से ही थोड़े से sample papers जो हैं वो solve करना start कर दीजिए. देख लीजिए कि पहले के examinations कैसे हैं. ऑनलाइन सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वो जाके चेक कर सकते हो. उसके बाद आप लोगों को ये तो हो गया आपका थर्ड पॉइंट. उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि यू हैव टू कलेक्ट ऑल द स्टडी मटेरियल्स. मतलब बेसिकली इसमें जितने जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपके कोर्स से रिलेटेड ही पूछते हैं. तो इसके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिकली अलग से कोई तैयारी नहीं करनी होती आप लोगों को. आपका जो भी मतलब जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और अब जब आपके पर्टिकुलर कोर्स का सिलेबस देखोगे उस हिसाब से आप अपने मतलब प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव कर सकते हो बाय गोइंग टू द फिफ्थ पॉइंट दैट इज बाय प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर पेपर एंड सॉल्व एज मच एज मॉक टेस्ट यू कैन. क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इस टेस्ट के लिए, मोस्टली फॉर द बीटेक कोर्सेज एंड फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज
काफ़ी कॉम्पिटिशन है, तो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर एंड आपको काफ़ी जितने आप मॉक टेस्ट जो हैं वो कर सकते हो सॉल्व, तो वो करिए. उसके बाद इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकर एरियाज. आप ऑलरेडी अपने, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ऑलरेडी जो है अपने 12th क्लास में आपके जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो कवर हो चुकी होंगी, तो आप लोगों को अपने वीकर एरियाज पे फोकस करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जामिनेशन में आपको वो स्कोर करा सके और आपको एक कॉम्पिटिशन में आपको एक रैंक दे सके, तो आपका सिलेक्शन जो है वो ईजिली हो जाएगा, मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा. बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ. उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद नेक्स्ट ये है कि यू हैव टू स्टे अपडेटेड फॉर इट, कि मतलब कब फॉर्म्स आ रहे हैं, कब डेट की फॉर्म की डेडलाइन है, आप लोगों को वो सब फिल करना है, फॉर्म फिल करना है, कब जाके आपको एग्जाम देना है, तो यू हैव टू बेसिकली स्टे अपडेटेड फॉर दैट. एंड देन स्कूल के साथ टाइम मैनेजमेंट करना है कि उस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करोगे. उसके बाद अगर मतलब कि इसके बाद आप ये कर सकते हो कि अगर आपका कोई नोन है बनस्थली में तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इस एग्ज़ाम को किस, मतलब जिन्होंने पहले ये एग्ज़ाम दिया होगा उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो कि कैसे इस एग्ज़ाम को उन्होंने क्रैक किया या फिर क्या प्रिपरेशन रही है, तो आप उन लोगों से भी पूछ सकते हो. सो यू कैन सी गाइडेंस. एंड देन एट लास्ट आई वुड से दैट स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट. मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि अगर कहीं एक जगह आपका नहीं आप सक्सेस करो तो दूसरी जगह नहीं हो, बहुत और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, पर अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है यू हैव टू जस्ट स्टे काम एंड जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस एंड फोकस ऑन ऑल द ऑलरेडी स्टडीड थिंग्स. उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस आपको फोकस रहना है. मतलब कुछ मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, बस प्रीवियस ईयर पेपर देख के यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द एग्जाम लेवल. After that, there is not much to do in that. अगर आप school student हो, आप और भी exam की preparation कर रहे होगे तो that's enough for that. अगर आप medical के field में जा रहे हो तो आप NEET या फिर जो भी exam आप मतलब pursue करना चाह रहे हो उसकी preparation कर रहे होगे तो आपका mind उसी तरीके से competitive होगा ही, तो इसीलिए आपको कोई extra preparation करने की ज़रूरत नहीं है. You have to just see the previous, मतलब ये tip point है, you have to see the previous year papers. And previous year papers से हमारा next segment आता है, ये है कि how to get the study materials, like where you can get the reference materials, how to prepare, how to get the previous papers. तो सबसे पहला जो चीज़ है, आप उसके बनस्थली की official website पे जाके आप मतलब कि वहाँ से information ले सकते हो कि किस तरीके का paper आता है. वहाँ पे भी अवेलेबल रहता है कि एग्जामिनेशन वाला एक सेक्शन है, वहाँ पे वो लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स रखते हैं. उसके बाद जो बनस्थली की वेबसाइट है, सेकेंडली उस पर लाइब्रेरी का ऑप्शन है, आप लाइब्रेरी से जाके ऑनलाइन लाइब्रेरी जो उनकी है उससे आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, या फिर आप उसमें ये भी इवन चेक कर सकते हो कि उस कॉलेज, मतलब हमारे कॉलेज में किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है. उसके बाद थर्डली जो है आप ये कर सकते हो कि जैसे ऑनलाइन वेबसाइट होती है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे अपलोडेड रहते हैं सैम्पल पेपर्स, उन चीज़ों को देख सकते हो. और उसके बाद एक बार जब आपको आपका सिलेबस पता चल जाएगा उसके बाद आप उससे रिलेटेड, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है तो वो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आप उससे रिलेटेड बेसिक स्टडीज़ जो है वो आप बाहर की कोई एनसीईआरटी या फिर कोई भी सिंपल कोई, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ एनसीईआरटी का, जो भी उससे रिलेटेड रेफरेंस बुक है उससे आप उसको पढ़ सकते हो. उसके बाद आप बहुत सारे, मतलब ये तो प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जैसे बनस्थली से रिलेटेड जो भी बच्चे, आपको लिंक्डइन पर आप सर्च कर सकते हो उन लोगों को और उसके बाद आप उनको रीच करके आप उनसे पूछ सकते हो. जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन बी टेक, सो यू कैन जस्ट गो ऑन लिंक्डइन एंड सर्च बी टेक बनस्थली विद्यापीठ, यू विल गेट स्टूडेंट्स ऑफ बनस्थली देयर एंड देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट देम और मैसेज करो उनको, पूछो उनको कि आपने इसको कैसे क्रैक किया, आपने इसको किस तरीके से पढ़ा, तो वो आप लोगों को बता देंगे. देखिए मैं आई एम फ्रॉम एम फार्म एंड आई एम डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर, सो आई हैव नॉट गिवन दिस एग्जामिनेशन बट आई नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड आई नो पीपल हु हैव गिवन दिस एग्जामिनेशन. मेरे काफ़ी सारे जो मेरे क्लासमेट्स हैं जो ग्रेजुएशन यहाँ से करते हुए आ रहे, तो उन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है. तो इसी तरीके से आप जो है लिंक्डइन पर जाके या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाके अगर आप सर्च करोगे ना, हम मतलब बनस्थली विद्यापीठ वो लोग लिखते ही हैं, तो आप वहाँ पर जाके उन लोगों से बात कर सकते हो. दे हैव अ वेरी हेल्पिंग नेचर, दे विल टेल यू एंड दे विल श्योरली हेल्प यू. अदरवाइज आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं अपने किसी भी नोन से आपका जो भी पर्टिकुलर डाउट रहेगा वो उनसे पूछ के आप लोगों को क्लियर कर दूँगी. ठीक है, इसके
बाद हम लास्ट सेगमेंट पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो देखिए बहुत ही इसका कॉमन मतलब इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम इसका कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। मतलब देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों ने एग्जाम दिया है देन रैंक बेसिस पे सीट्स जितनी अवेलेबल हैं उतने लोगों को एडमिशन मिल जाता है। अगर जैसे कि 100 लोगों ने दिया एग्जाम एंड ओनली 40 सीट्स आर अवेलेबल फॉर बीटेक सीएससी और बीटेक मैकेनिकल जो भी है इस चीज़ के लिए अगर इतनी अवेलेबल है तो आपकी जो रैंक रहेगी उस हिसाब से आपको सीट मिल जाएगा। एंड देन आपका इंटरव्यू होता है वो बहुत ही बेसिक इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल नहीं, वो दे जस्ट चेक योर पर्सनैलिटी लाइक किस तरीके से कैसे आप बात करते हो कैसे हो, बस बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग इसके बारे में और भी सर्च करिए एंड जो मैंने आपको टिप दिया टॉक टू द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन बनस्थली, बिकॉज बनस्थली इतना मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती। जैसे अगर मैं पूरा कॉलेज भी घूम लूँ ना तो भी कुछ ना कुछ मुझसे छूट ही जाएगा, मैं सारी डिटेल्स नहीं बता पाऊंगी, मैं ही नहीं कोई भी नहीं बता पाएगा। मतलब बीटेक में इतने सारे ब्रांचेज हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत अच्छा ह्यूज, मतलब मुझे ऐसा लगता है बनस्थली इज अ होल अलग सा सेपरेटेड किंगडम ओनली। तो मतलब काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही वाइड स्केल पे फैली हुई है, तो इसीलिए यहाँ का जो जैसे अगर आप लोग ऑनलाइन भी सर्च करते हो तो आपको इतने डिटेल्स नहीं मिलते होंगे क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, तो हर पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो है डिटेल्स प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है। ऑल्सो अगर आपको इतना मतलब और भी कोई ऐसा डाउट होता है जो कहीं से भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप बनस्थली की वेबसाइट पर जाके उनके नंबर पर कॉल करोगे तो वो पिक कर लेंगे फ़ोन। मतलब आप किसी को भी फ़ोन करोगे और बोलोगे कि मुझे इससे रिलेटेड बात करनी तो आपको जो है पर्टिकुलर इंसान का नंबर भी दे देंगे, और अगर फिर भी नहीं उठा रहे कोई तो आप मुझे बोलो, मैं अपने जो मेरे जो सीनियर्स हैं या फिर जो मेरे टीचर्स हैं मैं उनसे बात करके आपको जो आपका जो भी प्रोस्पेक्टस होगा या फिर जो भी आपको चाहिए होगा मैं आपको वो मतलब कि आपका उनसे कॉन्टैक्ट करा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है ये एग्ज़ाम, आप बस इसकी प्रिपरेशन करो जैसे आप प्रिपेयर करते हो। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये हाँ ये वाली बात पूछते हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या मिनिमम स्कोर है, और जो ये भी पूछते हैं कि मेरे 12th में 60% आया क्या मेरा सिलेक्शन हो, तो उससे कुछ नहीं है, आपको 60% लाना है उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम आप अच्छा दो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे जितने भी सवाल आए और जितने भी सवाल आप लोगों ने पूछे हैं आई ट्राई टू कवर देम ऑल। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट है जो कुछ रह गया हो, मतलब जैसे कि एलिजिबिलिटी, तो अगर आप जैसे अगर हाँ एलिजिबिलिटी का अगर आप पूछ रहे हो कि एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो ये है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम दे रहे हो तो यू हैव टू बी 12th पास इन द पर्टिकुलर स्ट्रीम। अगर आप आर्ट्स का एग्ज़ाम दे तो आर्ट्स के लिए, और अगर कॉमर्स का जब आप दे रहे हो एग्ज़ाम दे रहे हो तो कॉमर्स या साइंस के लिए। तो ये तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट था जो मैंने कवर कर दिया। आई होप सब कुछ कवर हो गया हो, और इसके मैं ऑफ करके सोचती हूँ कुछ और अगर बच रहा हो तो आई विल टेल यू दैट। So there you have it, a comprehensive, crispy guide for Banasthali aptitude test. I hope this video finds useful for it. And मैं आप लोगों को बोलूँगी stay safe, stay motivated, and surely you will succeed. And अगर आप Banasthali में आपका selection हो जाता है तो please मुझसे मिलना, मैं आप लोगों से मिलूँगी और फिर उसका मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो okay, thank you so much for watching my video. Stay tuned, stay safe. Bye bye.